गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज पल्लव बहन अंधुलिस क्लासरूम। ये है मैथ्स का सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम ये वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 1 के 5th और 6th पार्ट नहीं देखी होगी तो वॉच, गो एंड वॉच नाउ। ठीक है, ये है पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी थोड़े पार्ट्स हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन में कैसे 6 पार्ट्स थे, 6 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन वन क्वेश्चन के भी 6 पार्ट्स थे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ 6 या 7 पार्ट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 पार्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन विच पॉलीनोमियल विच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब कि ये दिया गया है, मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे क्यों दिए गए हैं। ये एक तो सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स है। इन दोनों को हमें दिया गया है और हमें उससे उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन जो इक्वेशन नहीं, पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है तो सबसे पहले हम तो क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि अल्फा और बीटा का एडिशन इसके बराबर, मतलब दिया गया है ऐसा, अल्फा और बीटा का एडिशन इसके बराबर है तो हम पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए भी होती है, हमें ये भी पता है। तो हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेगेटिव बी है माइनस वाला माइनस वन, या फिर सिर्फ बी है माइनस वन, और फिर यहाँ पे हमें ए मिल गया है विच इज 4। तो हमें ए और बी की, मतलब कि जो इक्वेशन है उसमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है विच इज 4 एंड माइनस वन। और अब ये दूसरे की बारी है, अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे नेगेटिव वन दिया गया है और हमें पता है अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है लेकिन ए की कॉन्स्टेंट है, तो हम इस नेगेटिव जो ये नेगेटिव वाला वन दिया गया है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे नेगेटिव वाला 4 अपॉन 4, मतलब ये दोनों कट होके तो नेगेटिव वन ही बनेगा ना। तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू भी मिल गई और ए की। अब यहाँ पे ए की, मतलब ये तुक्का नहीं मारा है, देखो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू ये वाले यहाँ से पता चल गई है तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू तो रख दी। अभी बी की वैल्यू कहाँ से निकाले, मतलब देखो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा, तो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे भी रख दी, मतलब कि ये है सी और ये है ए। तो हमें पता चलता है कि इक्वेशन होगी, इक्वेशन जो हमने हमें मिली है, ये ए नहीं आता, इक्वेशन होगी 4x² ठीक है, माइनस में एक्स, माइनस क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू नेगेटिव वन है और वन यहाँ पे एक्स के साथ तो कुछ नहीं होता तो वन ही होता है ना, और यहाँ पे नेगेटिव में 4 क्योंकि जो सी की वैल्यू थी हमें नेगेटिव 4 मिली थी, मतलब कि हमें इक्वेशन मिल गया है। तो हमने ये फर्स्ट वाला जो है, ये फर्स्ट वाला पार्ट उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी इक्वेशन है 4x² माइनस एक्स माइनस 4। अगर आपको ये सारे इसके नोट्स बनाने हो या लिखना हो नोटबुक में तो आप रिवाइंड करके भी वापस से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सेकंड दिया गया है, ये दिखने में तो थोड़ा सा हार्ड है, रूट टू, मतलब ये वाला टू, ये वाला टू, ठीक है, ये रूट टू और ये है कॉमा में 1/3 का, ठीक है, ये मतलब वैसा है। इसको अभी, इसके भी अभी हमें रूट्स फाइंड आउट करने, ये दिखने में थोड़ा हार्ड है, टफ है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ ये रूट टू है वो अल्फा और बीटा का एडिशन है और 1/3 है वो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम लोग, जिसकी वैल्यू है यहाँ पे रूट टू। अल्फा और बीटा की वैल्यू ही यहाँ पे रूट टू हमें दी गई है, फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें पता है वो होती है नेगेटिव बी
बाय। ठीक है, इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिक्वायर्ड, मतलब इसमें हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो एक इक्वेशन दी गई थी, देखो यहाँ पे ये है, मतलब ये माइनस बी बाई है ए है और यहाँ पे रूट टू। तो अब इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, चैप्टर नंबर 2 में ही एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशंस को मतलब एक ऐसी इक्वेशन आई थी ऐसे पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर रूट्स दिए गए हो या फिर एडिशन ऑफ यू रूट्स या मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स अगर दिए गए हो, तो वो इक्वेशन जो है उसको अगर हम लोग इस पर अप्लाई करें तो भी हमें आंसर मिल सकता है। तो अभी हम लोग उससे करेंगे। वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स, इंटू एक्स माइनस माइनस नहीं प्लस अल्फा बीटा। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3। ठीक है, इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1/3। अभी यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करते हैं इसको इन मतलब ये जो नंबर है इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर यहाँ से ये फ्रैक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो हमें इक्वेशन मिल गई विच इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये है हमारी इक्वेशन, मतलब हमें उसकी इक्वेशन मिल गई है। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो मतलब नोटबुक में लिखना हो तो आप लिख लीजिए, वो आपने लिख लिया होगा। अभी हम इसको रफ करेंगे और बढ़ेंगे आगे, विच इज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक हियर फॉर मोर वीडियोज, क्लिक दैट। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।